हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, साल 2021 बहुत अच्छे से शुरू हुआ है Z5 के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी इंट्रीगिंग क्राइम थ्रिलर हमारे सामने पेश करी जिसका नाम था नेल पॉलिश। नाम ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जितने कैरेक्टर्स थे वो मेल कैरेक्टर्स थे और नाम है थोड़ा फेमिनिन टाइप का जो कि है नेल पॉलिश, तो आप थोड़ा सा वैसे ही इंट्रीगिंगनेस आपकी बढ़ जाती है कि मैं ये मूवी देखूं और पता करूं कि इसके अंदर है क्या। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था दोस्तों, तभी इसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, और जब ये मैंने मूवी ख़त्म करी तो मेरे को मज़ा ही आ गया, क्योंकि मेरे को लगा जैसे अंधाधुन मूवी आई थी तो इसका एंडिंग का भी कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और आपने भी वही चीज़ नोटिस करी और आपने कमेंट करके मुझे बोला कि आप बताओ कि मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है। दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑब्जर्व करी और मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग जो है जान के भार्गव कृष्ण जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने थोड़ी ओपन एंडेड छोड़ी है, ताकि हम जो हैं अपने रास्ते से अपने दिमाग के हिसाब से सोचे। वैसे भी सारी गेम जो थी वो माइंड गेम की ही थी, तो जो सारा कोर्ट रूम ड्रामा है जिसके अंदर मैं फटाफट से एक रीकैप कर देता हूँ कि वीर सिंह है जो पकड़ा गया है और वो कन्विक्ट है रेप का और बच्चों को फंसाने का, मारने का, और जय सिंह जो है उसको डिफेंड कर रहा है। आनंद तिवारी का भी जो रोल है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। साथ में ये दिखाया जाता है कि वीर सिंह शायद बचने के लिए एक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है रोल प्ले करता है। दोस्तों, जो वर्डिक्ट आता है एंड में वो इस तरीके से आता है जो बोलता है कि क्योंकि वीर सिंह की जो बॉडी है वो कोर्ट के अंदर है, कि उसकी जो मनोदशा है वो चारू रैना जैसी हो चुकी है, इसीलिए इसको पनिश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो रोल रजत कपूर ने प्ले किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट दिया। रजत कपूर ने क्या दिया, मतलब राइटर ने दिया ये दिया कि दोस्तों कि अगर आप कोई फॉल प्ले कर रहे हैं और अगर वीर सिंह कोई फॉल प्ले कर रहा है तो वो अपनी लाइफ लॉन्ग जिंदगी जो है मंजू रैना बन के काटेगा। आप सोचिए, एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक स्पाई हुआ करता था, मेंटली बड़ा स्ट्रांग था, फिजिकली बड़ा टफ था, टफ डिसीजन ले सकता था, वो हमने पूरी मूवी के अंदर देखा। उसको औरत बन के रहना है तो किसी के लिए भी ये काम बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। अब आते हैं कि मूवी के सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि क्या वीर सिंह कल्प्रेट था कि नहीं था, क्या वो जेन्युइनली स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार था कि नहीं था। दोस्तों, मैंने 2 स्क्रीन ग्रैब्स निकाले हैं मूवी के अंदर से, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेशन खुद भार्गव कृष्ण डायरेक्टर ने दिया है कि शायद वीर सिंह जो हैं नाटक कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है भार्गव कृष्ण का कुछ और दिखाने का इंटरप्रिटेशन हो। पहला सीन तो दोस्तों तब आता है जब फर्स्ट टाइम कोर्ट का जो सेशन है वो शुरू होता है, और उसमें हम देखते हैं कि वीर सिंह जो एक पेपर वेट को उठा के उसको कुछ देख रहा है, और बहुत ही कूल तरीके से वो देख रहा है, जैसे उसको पूरी चीज़ के मामला उसको पता है, वो रोल के अंदर है सारी सिचुएशन के अंदर। और एंड में जब वर्डिक्ट आने वाला होता है दोस्तों, कि जब उसको पता है कि वो निकल जाएगा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो चारू रैना बन चुका है मेंटली एटलीस्ट, तो वो फिर से वही पेपर वेट उठाता है और एकदम देखता है और एकदम आंखें करके ऐसे एक्सप्रेशंस उसके आते हैं जिससे वो सीन एंड होता है। दोस्तों, इस पूरे दौरान में कभी भी उसने पेपर वेट नहीं उठाया, तो मेरे ख्याल से पेपर वेट इंडिकेशन है वीर की शातिरपंथी का। जब वो पहली बार कोर्ट में आया था और जब आखिरी बार कोर्ट का सेशन में जब वर्डिक्ट सुनाया गया तब का, आप ये दोनों सीन्स को ध्यान से देखो और दोबारा मेरी मूवी देख लो, दोबारा देख सकते हैं सेकेंड टाइम रन में, क्या वर्थ तो ये मूवी है ही। तो आप भी ये चीज़ नोटिस करोगे, शायद एक ये सटल हिंट थी कि ये जो भाई साहब हैं ये सबका उल्लू बना रहे थे। तो आपने और कुछ अगर नोटिस करा हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और आपको कोई और ऑब्जर्वेशन है तो वो भी बताओ। सी यू, बाय।